हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनुपम भारद्वाज। तो आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल है आप सभी का। तो आज है 30 मार्च और 30 मार्च को ये क्लास पहले से रिकॉर्ड की जा रही है। क्लास रिकॉर्ड करने का उद्देश्य केवल यही है कि आप जानते हैं होली का फेस्टिवल है। होली के फेस्टिवल के तौर पर आप लोग भी होली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग भी करेंगे, अपनी फैमिली के साथ में समय देंगे। लेकिन क्योंकि पढ़ाई के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्टडी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके लिए और टीचिंग हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम टीचिंग स्टडी की बात करते हैं। तो उसके तहत आज क्लास आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो क्लास के तहत आप जानते हैं कि हम टॉपिक की बात कर रहे थे भारत में खनिज संसाधन। किसकी बात कर रहे थे? भारत में खनिज संसाधन की। किसकी बात कर रहे थे? तो भारत में खनिज संसाधन टॉपिक की बात कर रहे थे। इंडियन मिनरल्स टॉपिक की बात कर रहे थे। इंडियन मिनरल्स टॉपिक की बात कर रहे थे। और इस इंडियन मिनरल्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भारत में तीन खनिज हैं। क्या हैं? भारत में तीन खनिज हैं, जिसके अंतर्गत भारत के इन तीन खनिजों की बात करेंगे। तो सबसे पहला है धात्विक खनिज। कौन सा? धात्विक खनिज। पहला कौन सा है? पहला इसका नाम है धात्विक खनिज, दूसरा इसका नाम है अधात्विक खनिज। कौन सा? अधात्विक खनिज। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा इसमें ईंधन खनिज। तीसरा कौन सा था हमारा? ईंधन खनिज। धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज, ये खनिज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इनकी बात हमें यहाँ पर करनी है। तो इनमें बात में हमने शुरुआत की थी इसी की, हमने इसकी शुरुआत की थी ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज की। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जैसे कोयला, जैसे इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, और जैसे इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जितनी भी एलपीजी वगैरह होती हैं उनके बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें, एलपीजी, सीएनजी वगैरह, इनके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक गैसें क्या? प्राकृतिक गैसें के बारे में इसमें पढ़ते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें हैं यहाँ पर। तो भारत में खनिज संसाधन, जिसके अंतर्गत मैंने आपका शुरू किया था कोयला टॉपिक, मैंने आपका प्रारंभ किया था। अब कोयला टॉपिक को बड़े ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कोयला के अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कोयला है, कोयला भारत में चार प्रकार का पाया जाता है, या कोयला चार प्रकार का ही होता है। कितने प्रकार का होता है कोयला? कोयला चार प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि चार प्रकार का कौन सा होता है। नंबर एक मैंने आपको इसमें बताया था कि एंथ्रासाइट बिटुमिनस। कौन सा? एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट। दूसरा कौन सा है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। और तीसरा हमारा इसमें लिग्नाइट। कौन सा तीसरा हमारा? तीसरा हमारा इसमें लिग्नाइट। और चौथा हमारा इसमें पीट। कौन सा है? पीट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। कोयला चार प्रकार का है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो कोयला चार प्रकार का है, इस बात को आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब हम एक एक करके बात करेंगे। मैंने कहा था कि ज्वलनशीलता में कमी के आधार पर बांटा गया। कैसे? ज्वलनशीलता में कमी, ज्वलनशीलता में कमी। यानी जैसे जैसे हम कोयले के इधर बढ़ते जाएंगे, सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट, उससे थोड़ा कम क्वालिटी का बिटुमिनस, थोड़ा और कम का लिग्नाइट, और सबसे बेकार किस्म का पीट कोयला है। अब हम बात करेंगे एक एक को लेकर के। सबसे पहले बात करेंगे एंथ्रासाइट कोयले को लेकर के बात करेंगे। किसको लेकर के बात करेंगे? हम बात करेंगे एंथ्रासाइट कोयले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंथ्रासाइट कोयले की बात करेंगे, ठीक है भैया। किसकी बात करेंगे? एंथ्रासाइट कोयले की बात यहां पर करेंगे। ठीक है भैया, चलिए। तो एंथ्रासाइट कोयले की बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप जानते हैं एंथ्रासाइट में लिख सकते हैं कि इस कोयले में कार्बन की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। इस कोयले में एंथ्रासाइट में अगर बात करेंगे तो लिख सकते हैं यहां पर इस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा कैसी है? सबसे अधिक है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। जलने पर नीली रोशनी उत्पन्न करता है। जलने पर नीली रोशनी उत्पन्न करता है, नीली रोशनी उत्पन्न करता है। जलने पर नीली रोशनी
उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जलने पर नीली रोशनी उत्पन्न करता है, धुआं बहुत कम निकलता है, धुआं बहुत कम निकलता है, धुआं बहुत कम निकलता है, क्या होता है, धुआं बहुत कम निकलता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, धुआं बहुत कम निकलता है, ज्वलनशीलता इसकी बहुत अधिक है, इसकी ज्वलनशीलता बहुत अधिक है, इसकी ज्वलनशीलता बहुत अधिक है, इसकी ज्वलनशीलता बहुत अधिक है, क्या है, इसकी ज्वलनशीलता बहुत अधिक है, ध्यान रखिएगा, इसकी ज्वलनशीलता बहुत अधिक है। भारत में यह केवल जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है, भारत में यह केवल जम्मू एंड कश्मीर, भारत में यह केवल J&K जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पाया जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखिएगा कि इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है, इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें आप लिख सकें कि यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है, यह कैसा होता है, यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, यह कैसा है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, भारत में बहुत कम अल्प मात्रा पाया जाता है, 1% पाया जाता है, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर वाले राज्य में, पहाड़ी एरिया में, बर्फीले एरिया में, जहाँ पर उसका खनन करना संभव नहीं है, अब जब भारत में इतना सारा पाया ही नहीं जाता, तो उत्पादक और भंडारण की दृष्टि से कोई राज्य बनेगा ही नहीं, बनेगा तो कौन सा बनेगा, केवल जम्मू कश्मीर बनेगा, तो पहला हो जाएगा एंथ्रासाइट, कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट के बाद नंबर दो पर बात करेंगे, बिटुमिनस की बात करेंगे। अब बिटुमिनस के बारे में बात करें, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो बिटुमिनस के बारे में नंबर एक बात क्या हो जाएगी बिटुमिनस के बारे में, कि यह कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, यह कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह गोंडवाना कालीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, यह गोंडवाना कालीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। यह विशेषतः नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, विशेषतः नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे बात करें कौन कौन से नदी घाटी क्षेत्र हैं, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी। तीसरा इसमें हो जाएगा महानदी घाटी। और चौथा इसमें हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, दामोदर नदी घाटी से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन
या सबसे ज्यादा इसी घाटी में पाया जाता है, सबसे ज्यादा इसी घाटी में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा इसी घाटी में पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा इसी घाटी में पाया जाता है और इसी दामोदर नदी घाटी में जो कोयला सबसे ज्यादा तो पाया जाता ही है, यहाँ से निकाला जाता है। तो यहाँ पर झारखंड में एक खान है, बराकर कोयला खान। कौन सी? बराकर कोयला खान, बराकर कोयला खान। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बराकर कोयला खान कौन सी नदी घाटी में स्थित है, तो बराकर कोयला खान दामोदर नदी घाटी में स्थित है। कहाँ पर? दामोदर नदी घाटी में स्थित है। सोन नदी घाटी के अंतर्गत भी एक खान है जिसका नाम है उमरिया कोयला खान। कौन सा? इसके अंतर्गत भी इसका नाम है उमरिया कोयला खान, उमरिया कोयला खान। उमरिया कोयला खान जो है, उमरिया कोयला खान जो किसके अंतर्गत स्थित है? सोन नदी घाटी के अंतर्गत स्थित है उमरिया कोयला खान। कौन सा? उमरिया कोयला खान। अब क्योंकि दामोदर नदी घाटी का ज्यादातर विस्तार कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। कहाँ पर है? झारखंड राज्य में दामोदर नदी घाटी का सबसे ज्यादा विस्तार है और वहीं पर उसी घाटी में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, उसी घाटी में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो झारखंड का धनबाद शहर है उसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो लिख सकते हैं कि झारखंड के धनबाद शहर को, झारखंड के धनबाद शहर को, धनबाद शहर को, झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है किसको? धनबाद शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। इस बात के बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, इसमें अगर बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर इसके ज़्यादा भंडारण पाए जाते हैं, ये जो दामोदर नदी वाले यानी ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं, तो जैसे झारखंड का एक और शहर है यानी ये जो कोयला के भंडार हैं कहाँ कहाँ पर उत्पादक में, तो झारखंड का झरिया धनबाद। कौन सा? झारखंड के झरिया से निकाला जाता है, निकाला जाता है कहाँ से? धनबाद से निकाला जाता है। दूसरा पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का कहाँ पर भैया? पश्चिम बंगाल पर अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा रानीगंज। कौन सा? रानीगंज। तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज। और अगर आप गौर से नदियाँ पढ़ चुके हैं, अगर आप गौर से अगर आप देखेंगे तो जो दामोदर नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी इन दो राज्यों में फैली हुई है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। मैंने आपको मैप के माध्यम से भी पढ़ा दिया था, ठीक है भैया। अब आप इस बात को मानते हैं कि कोयला जो होता है, कोयले को कहते हैं उद्योग की रोटी। ये पॉइंट नोट करके कहीं लिख लीजिए, यहाँ पर नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि कोयला को उद्योग की रोटी कहते हैं, कोयला को उद्योग की रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग की रोटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारे शरीर को चलने के लिए किसकी ज़रूरत है? हमारे शरीर को जलने के लिए रोटी की ज़रूरत है, सेम उसी तरीके से उद्योग को चलने के लिए कोयले की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कोयले की आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है, जब जहाँ पर कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा होंगे, कोयले के भंडार जहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है वहीं पर क्या लगेगा? उद्योग वहीं पर लगेगा। इसलिए पश्चिम बंगाल के बर्नपुर, कुल्टी और हीरापुर में लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया। पश्चिम बंगाल के, आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर हीरापुर और कुल्टी में इसमें क्या किया गया? इसमें लौह इस्पात उद्योगों का विकास किया गया। क्या किया गया? लौह इस्पात उद्योगों का विकास किया गया। किसका विकास किया गया? लौह इस्पात उद्योगों का विकास किया गया है। क्या किया गया यहाँ पर लौह इस्पात उद्योगों का विकास किया गया। बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी में लौह इस्पात उद्योगों का विकास किया गया। बात समझ में आ रही? उम्मीद है ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आएगी, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं, इस बिटुमिनस कोयले की अगर बात करें तो दो तरीके से एक डायग्राम बना लेते हैं। बिटुमिनस कोयले का दो तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन कौन से, इसके प्रोड्यूसर इसके कौन कौन से राज्य हैं, और दूसरी बात भंडारक
भंडारक राज्य कौन कौन से हैं, रिजर्व स्टेट कौन कौन से हैं, इसके इनकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो रिजर्व स्टेट, भंडारक स्टेट की बात हम यहाँ पर करेंगे इसके बारे में, ठीक है भैया। तो जैसे अगर प्रोडक्शन के बारे में या प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे, उत्पादकता हो जाएगी, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर ही उत्पादक करने वाले। तो जैसे कौन कौन से राज्य इसमें, इसमें पहला हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसमें हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा, इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तीसरा हो जाएगा इसमें झारखंड, कौन सा हो जाएगा झारखंड। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इधर भंडारक में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका मतलब क्या है, मतलब उत्पाद भंडारण बिटुमिनस को लेके सबसे ज़्यादा भंडारण, मैंने आपको पहले बता दिया दामोदर नदी घाटी झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडार है, लेकिन वहाँ से कोयले को निकाल करके प्रोडक्शन कौन करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है उड़ीसा। कौन करता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है उड़ीसा जो है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है भैया, तो ये सारी सारी बातें, ये सारी सारी बातें यहाँ पर हैं बिटुमिनस के बारे में। बिटुमिनस की जो उत्पादक राज्य हैं, बिटुमिनस के उत्पादक राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। भंडार राज्यों में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये भंडारक राज्यों में बिटुमिनस के बारे में। बिटुमिनस के बारे में झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, झारखंड के झरिया, धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, दामोदर नदी घाटी, कोयला को उद्योग की रोटी कहते हैं, इसलिए वहाँ पर पश्चिम बंगाल के बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी में लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया। ये आपके सामने बिटुमिनस कोयला, ये आपके सामने बिटुमिनस कोयला है। नंबर तीन पर जो हमारा, नंबर तीन पर हम बात करेंगे लिग्नाइट कोयले के बारे में। लिग्नाइट कोयला, नंबर तीन पर बात करेंगे लिग्नाइट कोयला, किसकी बात करेंगे, लिग्नाइट कोयला की बात करेंगे, लिग्नाइट कोयला। अब इस लिग्नाइट कोयले की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर इस लिग्नाइट कोयले की बात करें तो सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, इसे भूरा कोयला कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे भूरा कोयला कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसे भूरा कोयला कहते हैं, इसे भूरा कोयला कहते हैं, किसको, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। यह टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, यह टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है, अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। यह टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है, टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा भंडार तमिलनाडु में पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा जो भंडार हैं और जो उत्पादक है दोनों में, भारत में सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर है इसके, तमिलनाडु में, भारत में सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, तमिलनाडु में, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी एक जगह कहते हैं जिस जगह का नाम है नवेली या नेवली, एक जगह नवेली कहते हैं, कहीं 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 उसका नाम मिलता है नेवली, तो नवेली या नेवली एक ही बात है, या मन्नारगढ़ी या मन्नारगुड़ी, यहाँ पर एक होता है मन्नारगुड़ी या मन्नारगुड़ी, शब्द का थोड़ा अंतर है बस और कुछ नहीं है। तो नवेली या नेवली, मन्नारगुड़ी या मन्नारगुड़ी, इनमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वैसे भी और अन्य राज्यों में थोड़ा सा देख लें, और अन्य राज्यों में ऐसे अगर देखें उत्पादक की एक लिस्ट ऐसे बना लेते हैं, ऐसे एक लिस्ट भंडारक की ऐसे एक लिस्ट बना लेते हैं। और इस लिस्ट में अगर हम इस तरीके से यहाँ पर बात कर लें तो जैसे तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान हो जाएंगे किसमें, उत्पादक में हो जाएंगे तमिलनाडु गुजरात और यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, तो तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात ऐसे हो जाएगा।
भारत में सबसे ज्यादा भंडारण यहाँ पर है, ये हमारा क्या लिग्नाइट कोयला, ये क्या हमारा, ये है यहाँ पर हमारा लिग्नाइट कोयला, इसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यहाँ पर लिग्नाइट कोयला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे बात करेंगे, लास्ट कोयला हमारा पीट कोयला, कौन सा लास्ट कोयला हमारा, इस कोयले का नाम है पीट कोयला, क्या नाम है, पीट कोयला। लास्ट कोयले की बात करेंगे, लास्ट कोयला है हमारा पीट कोयला, कौन सा पीट कोयला, पीट कोयले में ध्यान रखिएगा, यह सबसे निम्न प्रकार का कोयला है, यह सबसे निम्न प्रकार का कोयला है, यह सबसे निम्न किस्म का कोयला है, निम्न किस्म का कोयला है, यह सबसे निम्न किस्म का कोयला है, कैसा है ये सबसे निम्न किस्म का कोयला है, कौन सा पीट कोयला। दूसरी बात, यह जलते समय सर्वाधिक मात्रा में धुआं देता है, यह जलते समय सर्वाधिक मात्रा में धुआं देता है, यह जलते समय सर्वाधिक मात्रा में धुआं देता है, सर्वाधिक मात्रा में धुआं देता है, तो यह जलते समय सर्वाधिक मात्रा में धुआं देता है पीट कोयला। दूसरा ध्यान रखिएगा, यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, दलदली स्थानों पर पाया जाता है, दलदली स्थानों पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दलदली स्थानों पर पाया जाता है, जलते समय सर्वाधिक मात्रा में धुआं देता है, यह सबसे निम्न किस्म का कोयला है, जलते समय सर्वाधिक मात्रा में धुआं देता है, दलदली स्थानों पर पाया जाता है, यह सब आपका पीट कोयला, यह सब आपका पीट कोयला, ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सारी की सारी बातें कोयले के उत्पादन करने के लिए कंपनी, इसका नाम है कोल, तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कभी पूछी जाए तो 1975 में, तो लिख लीजिए कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1975 में, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक कोयले की खान, अगर इस बात का भी एक डाटा पढ़ लें कि भारत में सर्वाधिक कोयले की खान कहां कहां पर है, तो भारत में सर्वाधिक कोयले की खान, तो जाहिर सी बात है कि भैया खान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाएगा वहीं पर तो खान होंगी, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो खान है झारखंड में 152 कोयले की खान है, कहाँ पर, झारखंड में 152 कोयले की खान है, पश्चिम बंगाल में 99 कोयले की खान है, मध्य प्रदेश में 70 कोयले की खान है, पश्चिम बंगाल में 99 कोयले की खान है, झारखंड में 152 कोयले की खान है। विश्व में अगर कोयला उत्पादन की बात करेंगे तो विश्व में कोयला उत्पादन का डाटा पढ़ लें तो प्रथम स्थान पर फर्स्ट पर कौन है चीन है, फर्स्ट पर शेकंड पर भारत, सेकंड पर कौन है भारत, फर्स्ट पर कौन है चीन, फर्स्ट पर है भारत जो है सेकंड पर। उम्मीद है आपको ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आगे बात करेंगे, यहाँ तक देखेंगे एक बार, यहाँ तक आप एक बार इसका पूरा का पूरा खाका देख लेंगे कि यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है भैया। चलिए
ठीक है भाई। तो ये सारी सारी बातें हो गई कोयला के बारे में, पीट कोयला के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। पीट कोयला के बारे में आप क्या पढ़ सकते हैं कि यह सबसे निम्न किस्म का कोयला है, यह जलते समय सर्वाधिक मात्रा में धुआं देता है, यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है, यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है, जलते समय सर्वाधिक मात्रा में धुआं देता है, सबसे निम्न किस्म का कोयला है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। भारत में सर्वाधिक कोयले की खान झारखंड में लगभग 152, पश्चिम बंगाल में 99, मध्य प्रदेश में 70, विश्व में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, द्वितीय स्थान पर भारत। उसके बाद पीट कोयले के बाद लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला कहते हैं, यह टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा भंडारण तमिलनाडु के नवेली और मन्नारगुडी में, तमिलनाडु गुजरात राजस्थान उत्पादक और भंडारक राज्यों में। इसी तरीके से बिटुमिनस के मामले में ये भंडारक, ये उत्पादक, बिटुमिनस की ये कुछ विशेषताएँ, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उद्योग का विकास हुआ, कौन कौन सी नदी घाटियों में, ये एंथ्रासाइट आपका हो गया, ये आपके यहाँ तक हो गए। तो अगर देखा जाए इसमें तो ईंधन खनिज के अंतर्गत जो टॉपिक विशेष आता है उस टॉपिक का नाम है कोयला। कोयला को हम कंप्लीटली कर चुके हैं। अगला हमारे पास पेट्रोलियम, कौन सा पेट्रोलियम, तो अगला हम इसमें पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अगला हम इसमें पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे पेट्रोलियम, क्या हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की बात की जाएगी इसमें, किसकी बात की जाएगी, पेट्रोलियम की बात की जाएगी। तो सबसे पहले इसमें आप पॉइंट लिखेंगे कि पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है ध्यान रखिएगा, अगर इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। किससे, अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा, किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इस हाइड्रोकार्बन में ध्यान रखिएगा दो चीज़ें पाई जाती हैं, 70% तेल पाया जाता है, 30% प्राकृतिक गैस पाई जाती है। 70% इसमें तेल पाया जाता है, 30% इसमें प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 30% इसमें प्राकृतिक गैस पाई जाती है, 70% इसमें ऑयल पाया जाता है, 70% इसमें ऑयल पाया जाता है, 30% इसमें नेचुरल गैस पाई जाती है, 30% इसमें नेचुरल गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नेचुरल गैस पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। एक इसी में पेट्रोलियम से एक संबंधित प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो यह नोट डाल के भी लिख सकते हैं, यहां पर नोट डाल के भी लिख सकते हैं कि कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से, किससे, पेट्रोलियम उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से, किससे, पेट्रोलियम उत्पादन से है कृष्ण क्रांति का संबंध। तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, 70% इसमें तेल पाया जाता है, 30% इसमें प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से, किससे, पेट्रोलियम उत्पादन से। ध्यान रखिएगा भारत में तेल तीन जगह से प्राप्त किया जाता है, भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्र की बात करेंगे अगर हम बात करें कि भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्र की बात करेंगे तो मुख्यतः तीन क्षेत्रों से निकाला जाता है, मुख्यतः तीन क्षेत्रों से निकाला जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, नंबर एक है असम तेल क्षेत्र, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र तो कह सकते हैं असम तेल क्षेत्र, या इसको कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा कहते हैं गुजरात तेल क्षेत्र, कौन सा गुजरात तेल क्षेत्र, कौन सा गुजरात तेल क्षेत्र, कौन सा गुजरात तेल क्षेत्र। और तीसरा हम इसको कहते हैं महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र। तो अगर देखा जाए तो भारत में पेट्रोलियम के तीन क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र जिसको मुंबई तट कह देते हैं, जहाँ मुंबई हाई वगैरह है, मुंबई तट क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं मुंबई तट कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको मुंबई तट कह देते हैं। गुजरात तेल क्षेत्र, असम तेल क्षेत्र, ये सब आपके सामने, ये सब आपके सामने। तो अगर प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए भारत में पेट्रोलियम कितने स्थान से निकाला जाता है, तो भारत में पेट्रोलियम तीन जगह से निकाला जाता है, असम तेल क्षेत्र, गुजरात तेल क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र। तो भारत में पेट्रोलियम के भी तीन क्षेत्र हैं, असम तेल क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र। उसके अलावा ये पेट्रोलियम के बारे में आप एक एक करके पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे असम तेल क्षेत्र के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे असम तेल क्षेत्र के बारे में, असम तेल क्षेत्र, असम तेल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि असम तेल क्षेत्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा असम तेल क्षेत्र की कुछ विशेषताएं, जैसे असम में सुरमा घाटी से दिहांग घाटी तक के क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त होता है, असम में असम में सुरमा घाटी से दिहांग घाटी, कौन सी दिहांग घाटी, दिहांग घाटी कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, असम में सुरमा घाटी से दिहांग घाटी तक पेट्रोलियम प्राप्त होता है, क्या होता है पेट्रोलियम प्राप्त होता है, क्या होता है पेट्रोलियम प्राप्त होता है, क्या होता है पेट्रोलियम प्राप्त होता है। बस जस्ट एक मिनट का समय देंगे आप मुझे। तो हमने आपसे कहा कि असम में सुरमा घाटी से दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश तक पेट्रोलियम प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है साथी मेरे, पेट्रोलियम प्राप्त होता है, इस बात को हमको समझना है। लेकिन साथी मेरे ध्यान रखिएगा कि यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि असम के माकूम क्षेत्र में भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था, असम के माकूम क्षेत्र में, असम के माकूम क्षेत्र, असम के माकूम क्षेत्र में पहला तेल का कुआं खोदा गया था, पहला तेल का कुआं खोदा गया था, तो पहला तेल का कुआं खोदा गया था असम के माकूम क्षेत्र में, पहला तेल का कुआं खोदा गया था 1867 में। प्रश्न पूछा जाता है कि पहला तेल का कुआं कहां पर खोदा गया था, तो पहला तेल का कुआं 1867 में असम में खोजा गया था, ध्यान खोदा गया था। दूसरा असम के डिगबोई में 1889 में दूसरा तेल का कुआं खोदा गया, असम के डिगबोई में दूसरा तेल का कुआं 1889 में खोदा गया, 1889 में खोदा गया, 1889 में खोदा गया असम के डिगबोई में दूसरा तेल का कुआ 1889 में खोदा गया। ध्यान रखिएगा इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आ जाता है कि 1901 में असम के डिगबोई में 1901 में असम के डिगबोई में 1901 में असम के डिगबोई में IOCL ने पहली तेल रिफाइनरी खोली, किसने IOCL ने पहली तेल रिफाइनरी खोली, पहली तेल रिफाइनरी खोली, क्या खोली पहली तेल रिफाइनरी खोली। तो मतलब कहने का है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली तेल रिफाइनरी कहां पर खोली गई, तो भारत की सबसे पहली तेल रिफाइनरी असम के डिगबोई में 1901 में खोली गई, कहां पर 1901 में खोली गई, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा
असम के अन्य क्षेत्र से भी तेल निकाला जाता है, असम के अन्य क्षेत्रों में भी बाद में रिफाइनरी भी लगाई गई और वहाँ से तेल का प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो कौन कौन सी वो जगह हैं, जैसे एक जगह नहरकटिया, कौन सी जगह नहरकटिया, दूसरी जगह नुमालीगढ़, तो नहरकटिया, नुमालीगढ़, डिगबोई और चौथा बोगाई गांव, कौन सा बोगाई गांव, और पांचवा हो जाएगा गुवाहाटी, पांचवा कौन सा हो जाएगा गुवाहाटी। तो ये पांच हो जाएंगे नहरकटिया, नुमालीगढ़, डिगबोई, बोगाई गांव, गुवाहाटी, ये असम तेल क्षेत्र हैं। कौन से असम तेल क्षेत्र है, यहाँ पर ये आराम से पढ़ लेंगे। असम में सुरमा घाटी से दिहांग घाटी तक पेट्रोलियम प्राप्त होता है। असम के माकूम क्षेत्र में पहला तेल का कुआं खोदा गया 1867 में। असम के डिगबोई में दूसरा तेल का कुआं 1889 में खोदा गया। 1901 में असम के डिगबोई में IOCL ने पहली तेल रिफाइनरी लगाएगी। असम के अन्य क्षेत्रों में नहरकटिया, नुमालीगढ़, डिगबोई, बोगाईगांव, गुवाहाटी, है क्या है गुवाहाटी। असम तेल क्षेत्र के बाद दूसरा जो तेल क्षेत्र था असम तेल क्षेत्र का, ये असम तेल क्षेत्र हो गया। दूसरा है गुजरात तेल क्षेत्र, कौन सा गुजरात तेल क्षेत्र। तो अब नंबर दो पर बात करेंगे, गुजरात तेल क्षेत्र की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे गुजरात तेल क्षेत्र। दूसरी बात करेंगे गुजरात तेल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, तो गुजरात तेल क्षेत्र के बारे में बात करें। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में अगर हम बात करेंगे, या यहाँ पर एक प्रश्न और लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, हम चाहें तो यहाँ पर एक प्रश्न और लिखा जा सकता है कि ये जो है हमारा ठीक है भैया, क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक एकदम से आपका बात क्लियर हो गया होगा। चलिए ये बात क्लियर, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा किसके बारे में, यहाँ गुजरात तेल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें कि गुजरात में तेल प्राप्ति के स्थल कौन कौन से, गुजरात में तेल प्राप्ति के स्थल कौन कौन से हैं, अगर उनके बारे में यहाँ पर आपसे बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में तेल प्राप्ति के स्थल हैं जैसे खंबात की खाड़ी, गुजरात में तेल प्राप्ति के स्थल हैं जैसे खंबात की खाड़ी, जैसे अंकलेश्वर यानी भरूच जिला, दूसरा तीसरा है लुनोज, चौथा है हमारा नवगांव और पांचवा है हमारा मेहसाना। तो पांच जगह जहां से गुजरात में तेल क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि देश के कुल 18% तेल का उत्पादन यहीं से होता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसी तेल को निकालने के लिए गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा दो तेल रिफाइनरियों का निर्माण भी किया गया। ध्यान रखिएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ इस तेल को निकालने के लिए, यहाँ पर पॉइंट डाल के लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा एक पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ कि गुजरात से तेल प्राप्ति के लिए तीन रिफाइनरी कार्यरत हैं। ध्यान रखिएगा, जिनमें
एक तो है एसआर कंपनी की, किसकी? एसआर कंपनी की, किसकी? एसआर का नाम सुना है ना, एसआर ग्रुप का, किसका? एसआर ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, तो उसके द्वारा एसआर पेट्रोलियम के नाम से, किसके द्वारा? एसआर ग्रुप, किसके द्वारा भैया? एक तो हमारी इसमें किसकी? एसआर ग्रुप की, एसआर ग्रुप की कहां पर है? गुजरात की एक जगह वादीनर, कौन सा? गुजरात की एक जगह वादीनर में। और दो है हमारी किसकी? रिलायंस की, किसकी? रिलायंस की कहां पर है? ये हमारी दो हैं, एक और एक, दो हैं, कहां पर है? जामनगर में, कहां पर है? जामनगर, तो जामनगर में, तो ध्यान रखिएगा जामनगर में लगाई गई हैं दो, तो दो तेल रिफाइनरी उसकी जामनगर में लगाई गई हैं और एक वादीनगर में लगाई गई, गुजरात के जामनगर में। रिलायंस के द्वारा दो ऑयल रिफाइनरी लगाई गई हैं और एसआर ग्रुप के द्वारा, एसआर ग्रुप के द्वारा उसमें जो क्या लगाया गया है, एसआर ग्रुप के द्वारा उसमें एक लगाई गई है वादीनगर में। कहाँ पर लगाई गई है? वादीनगर में लगाई गई है। समझ में आ रहा है साथी मेरे? तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सारी सारी बातें, ये सारी सारी बातें आपके सामने हैं। इसके अंतर्गत हम आपसे बात करेंगे तो ये आपके सामने बात हो जाएंगी, ये आपके सामने बात हो जाएंगी। यानी हमने हमने गुजरात तेल क्षेत्र के बारे में बात कर लिया, हमने यहाँ पर असम तेल क्षेत्र के बारे में बात कर लिया, अभी हमारा लास्ट बचा है महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र बचा है, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र बचा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे और उसी के अंतर्गत हम और भी महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ तक आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है भैया, तो महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, होली बहुत अच्छे से आपकी मन रही होगी। तो चलिए, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।